आप देख रहे हैं अमेज नाउ। वेलकम टू जया शक्ति इंफ्राकॉन LLP। 5 अलग अलग साइट्स चल रहे हैं गोरखपुर और बस्ती जनपद में। हर प्रोजेक्ट पर पाएं कम दाम में प्लॉट या बनवाएं अपने सपनों का आशियाना। आयुष गोल्फ सिटी सुनौली रोड गोरखपुर, आयुष रेजिडेंसी करजहा गोरखपुर, आयुष स्मार्ट सिटी सोनबरसा गोरखपुर, आयुष ग्लोबल सिटी माड़ापार गोरखपुर, आयुष ग्रीन सिटी परसा जाफर बस्ती। हर प्लॉट की रजिस्ट्री पर मिलेगा सोने का एक सिक्का। नमस्कार, हम जया शक्ति इंफ्राकॉन से, हमारा प्रयास है कि हर आय वर्ग को आवास उपलब्ध कराया जाए। आयुष सिटी का सपना, सबके पास हो घर अपना। नमस्कार दर्शकों, वो गुजरा जमाना कार्यक्रम में मैं मेनका आप सभी का स्वागत करती हूँ। ज्यो ज्यो उम्र बड़ी होती है त्यों त्यों अनुभव जवां होता है। घर में रहने वाले बड़े बुजुर्ग माता पिता से मिला अनुभव हमें कठिन परिस्थितियों से आगे बढ़ने का हौसला देता है। और आज हमारे बीच उपस्थित है निगार खानम जी, आइए जानते हैं इनसे इनका अनुभव कि किस तरह से बच्चों की परवरिश की जाए, किस तरह से परिवार में प्यार मोहब्बत बनाए रखा जाए, इस सब विषय पर आइए निगार खानम जी से बातचीत करते हैं और उनका अनुभव सुनते हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं निगार खानम जी का। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सभी का कि आप लोगों ने मुझे फिर इस चैनल पे बुलाया है और मैं आकर यहाँ बहुत खुश हूँ कि कुछ बातें इस उम्र में कहने को भी मिलता है और आप लोगों को सुनने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। सब कुछ सीखी हमने ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों की हम है अनाड़ी। वाह बहुत। दुनिया ने कितना समझाया, कौन था अपना कौन पराया, पर सब खुद ही मर मिटने की ये जीत है हमारी, खुद ही मर मिटने की ये जीत है हमारी, सच है दुनिया वालों हम है अनाड़ी। बहुत बढ़िया शुरुआत किया निगार जी आपने। तो आज के समाज की अगर हम बात करें, आज के परिवार की बात करें निगार जी, तो आपका तो अनुभव इतना लंबा हुआ है, आपकी फैमिली भी बहुत बड़ी है, हमारे दर्शक हमारे पिछले एपिसोड में जान चुके हैं। हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि आज परिवार में जो विघटन की स्थिति आ रही है, आजकल देखिए भाई भाई में नहीं पट रहा है और लोगों के अंदर प्यार मोहब्बत कम होता जा रहा है, आपके ज़माने में ये किस तरह से बड़ी फैमिली एक साथ रहती थी और आज आपको क्या अंतर दिखाई देता है? ये सवाल करके आपने बहुत अच्छा किया है और मैं चाहती भी थी कि ये मुद्दा रखा जाए जी। सबसे बड़ी गलती तो हमारे अपनों की है और उसके पीछे लालच, पहले भी होते थे कम होते थे, आजकल तो हर एक सेकंड पे ये चीजें देखने को मिल रही है। वजह पैसा लालच, और उससे बड़ी वजह है छोटों की बड़ों की जो इज्जत रह गई है, हर बात में छोटे बड़ों से बहस करते हैं, वो चुप होना जानते ही नहीं है, वो थोड़े से मोबाइल और थोड़ी सी जॉब पाते हैं तो सोचते हैं अरे हम किसी से कम हैं, पर ये गलत है। आप कितना भी आगे बढ़ लेंगे, जब तक आपको अपने बड़ों का आशीर्वाद और दुआ नहीं मिलेगा आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। पैसा रहेगा सुकून नहीं रहेगा, बिस्तर रहेगी नींद नहीं रहेगी, पानी रहेगा प्यास नहीं रहेगा, भोजन रहेगा भूख नहीं रहेगी जी। तो ये चीजें आप लोग जरा सोचिए और जिस दिन छोटे लोग बड़ों की इज्जत करेंगे अपने आप सारी चीजें खत्म होंगी। निगार जी आप घर परिवार तो संभाल ही रही हैं, इसके अलावा आप कुछ समाज सेवा भी करती हैं, दीन दुखियों की सेवा करती हैं, तो इन बातों की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और आपने कब से ये कार्यक्रम शुरू किया? जैसे पहले तो परिवार बड़ा था आप उसको देखती थी, फिर ये समाज सेवा का काम आप कैसे करती थी, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? एक्चुअली इसकी प्रेरणा मुझे बचपन से थी पर उस वक्त मौका नहीं मिला, मैं बहुत छोटे घरों से आई हूँ, हर चीज का अभाव था वहाँ पर, तो हमेशा मन में रहता था कभी ऊपर वाला इतना थे कि जैसे मैं हर चीजों के लिए तरसी हूँ,
मेरे बात कोई और मंत्र से जी। तो इसमें ऊपर वाले के साथ मेरे पति का बहुत बड़ा हाथ है, उन्होंने कभी किसी चीज के लिए रोका नहीं और यही नियत देख के ऊपर वालों ने खूब दिया और फिर मेरे बच्चे भी मेरी बहुत मदद करते हैं। तो हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं कि पेपर में छपे लोग मुझे जाने, बस मैं इतना करती हूँ कि जो मैं चार रोटी बनाती हूँ सोचती हूँ एक रोटी किसी और के लिए रख दूँ। मैं जो 2000 का कपड़ा पहनती हूँ सोचती हूँ कि नहीं थोड़े कम में पहनूं, उसमें किसी और का भी शरीर को ढकना है जी। और ये चीज मैं खुद से करती हूँ, मेरे घर वालों को पता है, मेरे हस्बैंड को पता है और मेरे हस्बैंड भी बहुत ज्यादा मदद करते हैं, पर वो कभी किसी पेपर में नहीं, किसी संस्था में नहीं। मेरे दो बच्चे हैं मोहम्मद समीर खान, मोहम्मद सादाब खान, वो लोग भी बहुत ज्यादा मदद करते हैं गरीबों की, गाड़ियों में भर भर के सामान पहुंचाते हैं और कोई जानता नहीं हो तो बस ऊपर वाला जानता है और लेने वाला जानता है। तो समाज सेवा आपकी ये होती है, अगर हमने कहीं किसी संस्था से मिलके कोई काम किया खूब पेपर में छपा उसके बाद तो हम सोचते हैं कि ये गलत होता है। कहते हैं ना कि एक हाथ से दो दूसरे हाथ को खबर ना हो, आपका समाज सेवा है। तो प्रेरणा तो बचपन से मिली, फिर ऊपर वाले ने इतना दे दिया कि अब तो बेधड़क हर चीज करते हैं और घर वालों का सपोर्ट बहुत मिलता है, तसल्ली बहुत हो जाती है उसके लिए। और घर गृहस्थी से छुट्टी हो गई है, बहू बहुत अच्छी मिली हुई है, मतलब कि हमको सोचना नहीं है मेरे पति को खाना कौन देगा, हमारे बेटों को खाना कौन देगा, सारी चीजें बहू संभालती है, मैं बाहर के लिए करती हूँ। और शौक भी है बहुत सारे बनाने का, आए दिन कॉम्पिटिशन में जाती हूँ, कुकिंग में, सिंगिंग में जी। लिखती हूँ, कुकिंग करती हूँ, कॉम्पिटिशन में जाती हूँ। लिखने की बात निगाह जी आप कर रही हैं तो बातों का सिलसिला तो अभी लंबा चलेगा, तो क्यों ना दो शायरियां हम अपने दर्शकों को, आपकी लिखी हुई कुछ याद है आपको? घर के हौसलों को अगर साथ देना है तो अपने अरमानों को थोड़ा कम करना है, बिल्कुल आगे अगर बढ़ना है तुम्हें तो सबको साथ लेके चलना है। सबको साथ, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात कही और ये सीखने की बात है, यही अनुभव है जो हम युवा वर्गों को अपनाना होगा कि इन किस तरह से इन लोगों ने कम चीजों में सब पूरे परिवार को लेकर के चला और आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि समाज में इनका एक बहुत अच्छा स्थान है, ये बहुत बड़ी बात है। निगार जी, आज के समाज में जो विघटन की स्थिति जो चल रही है, हम इस पर आपसे ये जानना चाहेंगे अब कि परिवार में बेटे की क्या भूमिका होनी चाहिए और जो नई लड़की आती है उसकी क्या भूमिका होनी चाहिए और घर के जो माता पिता हैं, जो भी बुजुर्ग हैं, उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए कि कोई भी परिवार टूटे नहीं, आपस में प्यार मोहब्बत बना रहे, सब रिश्तों में इज्जत और प्यार बना रहे, बताइए। भूमिका यही होनी चाहिए कि जो बड़े हैं छोटों की चीजों को थोड़े नजरअंदाज करें जी। हमारे समाज में खास तौर से इंडिया में जी, अगर बहू थोड़ी देर में उठ जाती है तो तमाम बातें होती है, अरे देर में क्यों उठी, और अगर बेटी देर में उठती है कहते बहुत अच्छा घर मिला है। तो ये चीजें बहू के साथ भी होनी चाहिए, वो भी तो बेटी है ना, तो अगर हम अगर अच्छे रहेंगे तो वो भी ऐसे ही अच्छी रहेगी। क्यों हम उसके एक कप चाय के लिए बैठे रहते हैं, हम भी तो कभी उसको एक कप चाय दें। ये चीजें होनी चाहिए तब परिवार बना रहता है आपका। और बेटों का ये होना चाहिए कि घरेलू कोई भी बात हो सास बहू में या नंद में तो वो आपस में बिल्कुल ना बोले, नहीं तो भाई भाई में फूट पड़ जाती है। और बहू की ये चीजें होनी चाहिए कि बच्चे वाली हो जाती है, कभी कोई है किसी की बुआ है, किसी की चाची है, किसी का चाचा है, कोई बच्चों पे हाथ उठाता है कड़ा बोलता है तो उसको बुरा मत माने, वो बोले जैसे ही शिकायत है बोले अरे हम क्यों बोले, वो भी तो वही है जो हम है, तो बच्चों की कहने की आदत छूट जाएगी। वो समझाना पड़ेगा बच्चों को कि बहुत जरूरी है ये सब रिश्ते जो है, सारे रिश्ते तो सबको एक दूसरे को समझना है, बातों को नजरअंदाज करना है। और बहू को ये सोचना है कि अब ये घर उनका नहीं ये मेरा है जी, इसको हम लेके चले, अगर वो कितनी भी खराब रहेगी हम भी उसके हाँ में हाँ मिलाएंगे, अच्छे कामों में वो भी अच्छे कामों में मिलाएगी तो दोनों चलेगा। और मेरे घर में ऊपर वाले का शुक्र है कि ऐसे ही चलता है, मैं इतने प्रोग्राम में जाती हूँ मेरी बहू पूरा घर संभालती है। तो हम चाहते हैं कि जब बेटियों की आप तारीफ करते हैं तो बहू के साथ भी ऐसा करें तो घर नहीं टूटेगा, बिल्कुल। और घर के जो जेंट्स होते हैं वो घर में आके जो बहुत सी चीजें बोल देते हैं ऐसे क्यों की वैसे तो नहीं, लेडीज डिस्टर्ब हो जाती है इससे,
वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती, तो गुस्सा वो किस पे निकाले, वो पति पे निकालती है, बच्चों पे निकालती है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ ही पति और बच्चों की, तो बच्चों की बात हो रही है, तो बच्चों को आजकल देखिए बच्चे दिन भर फोन मोबाइल पे लगे रहते हैं, इसमें माता पिता की क्या जिम्मेदारी होती है, वो तनाव पे भी ग्रस्त रहते हैं, बच्चों को देखा जाए तो छोटी छोटी बातों पे एग्रेसिव हो जाते हैं बच्चे, तो इसमें माता पिता क्या भूमिका निभा सकते हैं, उनको किस तरह से अपने बच्चों की परवरिश करनी चाहिए जिससे वो रिश्तों को भी समझें और हर व्यक्ति का इज्जत और सम्मान करें। देखिए इसके अंदर तो हम माँ को ही सबसे ज्यादा गलत समझते हैं जी। अब यहाँ तो बहुत से दर्शक सोचेंगे कैसी लेडीज है, पर सच में आजकल हम लोग मेहनत करना नहीं चाहते हैं। जमाने भर की मशीनें मिल गई है फिर भी हम थके रह रहे हैं, फिर भी हमको दिन भर बिस्तर चाहिए, बच्चा अगर कोई चीज मांगता है मोबाइल पकड़ा देती है, जाओ देखो ये चीजें, तो बच्चा वही सीख रहा है। तो ऐसा मत करें, आप उनकी बातों को सुनिए, उनको कुछ काम दीजिए। बच्चा फालतू बैठा बोलिए बेटा नकल लिख लो, बेटा थोड़ा गेम खेल लो, मोबाइल क्या चीज है, एक बीमार करने वाली मशीन है मोबाइल, इससे बढ़ के और कुछ नहीं है। हम लोगों ने भी अपने बच्चों को मतलब पाला पोसा, मैं ही नहीं उस जमाने के सारे लोगों ने किया है। आजकल तो एक फैशन है कहीं जाए बेटा तुमको आएंगे तो 2 घंटा मोबाइल देंगे, चलो बच्चा ब्लैकमेल भी कर रहा आपको। अब वो जो भी चीजें मांगता है तो सिर्फ मोबाइल की वजह से, या तो चैनल देखना है रिमोट दे दिया उन लोगों ने उसके वजह से, कि क्यों आज से पहले पढ़ाई नहीं होती थी जी, तो मोबाइल ही से होती थी क्या? आजकल सिर्फ कंपटीशन का दौर है, वन ऑन कुछ नहीं पाते हैं बच्चे जी। कोई चाय बेच रहा है, कोई पकौड़ी बेच रहा है, कौन से ऐसी आपको जॉब मिल जाएगी आप हमको बता दीजिए, ऐसा तो कुछ नहीं है। और पहले के बच्चे फेस टू फेस पढ़ते थे तो काबिल होते थे, उनको डर होता था, तो अब तो वो डर खत्म हो गई है ना जी, आंख खराब हो जा रही बच्चों की। आज बहुत से घर ऐसे जिनके पास पैसे नहीं है, मोबाइल नहीं है, पढ़ी लिखी माँ है तो खुद ही बैठ के पढ़ा रही है, और उनके पापा हैं कहीं से आए थोड़ा वो भी देख लेते हैं, तो बच्चों को डर रहता है। पर ये जिम्मेदारी ज्यादातर माँ की होनी चाहिए कि आप काम वाम कर ली, 1 घंटा अपने बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, उनकी कॉपी किताब चेक कीजिए, उनको साथ लेके रखिए, तो उनको भी डर रहेगा कि आज तो मम्मी बैग चेक करेगी जी। हम लोग थे पहले चेक करते थे पेंसिल की रबड़ की सब चीजों की खबर रहती थी, अब तो बच्चा बैग उठा के चला जाता है मोबाइल के चक्कर में, माँ भी है बच्चा भी है, स्कूल से कंप्लेन आती आपका बच्चा पेंसिल नहीं लाया था, मम्मा तुम हमको पेंसिल नहीं दी थी आज, हमको मैम बहुत डांट रही थी। तो ज्यादातर लेडीज की गलती है ये, इसको आप चीज मानिए, बच्चा जाता है आप उसका बैग चेक कीजिए, उसको भी बोलिए, तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कुल मिलाकर बच्चों को परिवार वाले अगर कुछ वक्त देते हैं, उनको सिखाते पढ़ाते हैं, तो बच्चों में जो तनाव है, जो उनको गुस्सा है, वो सब चीजें कम होंगी, बहुत कम होगी। अगर आप 2 घंटे संडे है आपका, घर की चीजें आप उनको घर के काम सिखाइए, बच्चों से बोलिए अलमारी ठीक कर लो, अपने जूते चप्पल देख लो, अपने बैग को देख लो, थोड़ा बहुत आप मेरी बातों को सुन के और उनसे कहिए करने को, देखिए इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा जी। बिल्कुल आप इसको करिए, आप अपनी परवरिश जिस तरह से, दोस्तों जिस तरह से निगार जी ने अपने बच्चों को पाला, और ये बोल भी रही हैं कि इनके दोनों बेटे इस समय बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं और सब कुछ बहुत अच्छा है इनके साथ है, तो अगर इस तरह से हम बच्चों को वक्त देंगे, थोड़ा सा उनको अपने घर के संस्कार सिखाएंगे, रिश्ते नाते समझाएंगे, तो उनके अंदर भी जो तनाव है, जो गुस्सा है, वो कम होगा। ये इनका अनुभव बता रहा है, और अनुभवों से हमें सीख लेने की जरूरत होती है, क्योंकि यही बुजुर्गों से मिले अनुभव हमें घर परिवार को चलाने का मौका देते हैं, अच्छे से चलाने का मौका देते हैं, और साथ ही जो भी कठिन परिस्थितियां होती हैं उनसे बाहर निकलने का हौसला देते हैं। ये तो बातों का सिलसिला चलता ही रहेगा। अब बात करते हैं, निगार जी को आजकल बहुत ज्यादा जगहों पे सम्मानित किया जा रहा है, तो दोस्तों इनसे बात करते और पूछते हैं कि इनको कहां कहां पे क्या क्या सम्मान मिला है। निगार जी बताइए जी। अभी तो मुझे कंपटीशन था कुकिंग का जी, एक होटल था वहाँ गए, वहाँ मुझे फर्स्ट प्राइज मिला, बहुत अच्छा लगा, बहुत टफ था, यंग बच्चे थे वहाँ, मैं हाँपती कांपती और अपने हाथों को गई लेकर के कि क्या होगा क्या होगा, मगर जहाँ चाह वहाँ रहा, और जब मैं फर्स्ट पोजीशन पे आई मुझे बहुत अच्छा लगा।
मैं हर लेडीज से कहती हूँ, घर में बैठ के गपशप करने से अच्छा है थोड़ा बाहर निकलिए और अपने हुनर को दिखाइए। अब जब आप आगे निकलेंगी तो आपके पीछे तमाम लेडीज आएंगी जी। और एक जगह और फिर मुझे अभी एक होटल में और गए थे तो वहाँ भी मुझे सम्मानित किया गया और हेल्थ क्लब वालों ने किया था। और फिर एक अभी हमें ये थी डांडिया में दिया गया था, सम्मानित किया गया है जी, बहुत अच्छे से सम्मानित किया गया। ऐसे सम्मानित हर जगह लोग करते हैं, बुलाते हैं तो हमारा भी हौसला बढ़ता है कि हम किसी से कम नहीं। दिल कभी बूढ़ा तो होता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हमेशा जवान रखिए। अब जो लेडीज लोग बैठती हैं सोचती हैं कि बस अब हम क्यों जाए, नहीं, घर वालों से बात कीजिए। हाँ, जहाँ कहती है जाने को बस वहीं जाएंगे। थोड़ा इस चीज पे हम ये बोलना चाहेंगे कि बहुत सी लेडीज हैं, बच्चे हैं, ये भी बड़ी खराब आदत है कि कहती कहीं है जाती कहीं। निकल कहीं जाती हैं जी। तो घर वालों को भी तो परेशान करती हैं, तो घर वाले भी बेचारे क्या करें। तो ऐसा मत करिए, हरगिज मत कीजिए। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप भी अपने शौक को पूरा कीजिए, घर वालों का यकीन भी बनाए रखिए जी। बिल्कुल निगार जी, अभी आपने बताया कि आपने कहीं कुकिंग कॉम्पिटिशन जीता था, तो वहाँ आपने क्या बनाया था? मैंने वहाँ पे हरियाली पुलाव बनाया। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि हरियाली पुलाव किस तरह से बनता है। हरियाली पुलाव के लिए आप धनिया की पत्ती, हरी मिर्च, गरी, अदरक, इनको पीस करके और तेल में भूनना है। और जब भून लेती हैं तो इसके अंदर दही डाल के भूनना है। और दही के बाद इसके अंदर डालिए खड़ा मसाला, लौंग, इलायची, दालचीनी, गोल मिर्च। और ये भी जब थोड़ा भून जाता है तो फिर इसके अंदर आप डाल दीजिए चावल को और चावल को भूनिए। जब दही का पानी सूख जाए इसके अंदर पानी डालिए अंदाज से और हल्का सा नींबू डाल के, हल्का दो चम्मच देसी घी डाल के इसको सीटी लगा दीजिए। और सीटी दो हो जाती है, फौरन कुकर का ढक्कन खोल दीजिए और बगैर सीटी के इसको ढके रहने दीजिए। आपके हरियाली पुलाव तैयार। अगर आप सीटी थोड़ी देर लगी रहेगी तो वो चावल ज्यादा गल जाएगा जी, वो एकदम गीला हो जाएगा क्योंकि चटनी से बनती है हरियाली पुलाव का मतलब यही है जी। ये तो हुई हरियाली पुलाव की बात। तो इसके लिए तो हमारी बहनें जब थोड़ी तैयारी कर लेंगी, हर सामग्री इकट्ठा कर लेंगी तब बनेगा। लेकिन कुछ बची खुची रेसिपी अगर आप जानती हो तो वो आप हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ, बची हुई चावल दाल है तो उसके उसको आप एक साथ सान लीजिए और सानने के बाद उसमें हरी मिर्ची, प्याज डाल के और आरारोट का पाउडर डाल के उसको खूब मसलिए। मसल के उसको रोल बनाइए और रोल बनाने के बाद ब्रेड के चूरे में उसको लगा करके डीप फ्राई कीजिए। फटाफट आपका चावल रोल बनके तैयार हो गया है। चावल दाल तो सबके घर में, चावल दाल सबके घर नहीं ज्यादा बचेगा, थोड़ा बहुत तो बच ही जाता है। और हाँ, और सॉस तो आजकल सभी लोग रखते हैं। अचानक कोई आ जाए तो बस आप ये चावल रोल बना करके, यही तरीका रोटी बचे हुए के साथ कर सकते हैं जी। रोटी को मिक्सी में पीस लीजिए और पीसने के बाद उसमें सारे प्याज, हरी मिर्ची, जितने भी चटपटे चीज है डालिए और उसकी टिक्की बना करके तवे पे इसको टिक्की की तरह बना लीजिए और खाइए, बहुत टेस्टी रहता है। शाम का नाश्ता बन के तैयार है दोस्तों आपके लिए। अक्सर लोग फेंकते हैं, फेंका मत कीजिए इसको जी। बहुत मेहनत से जेंट्स लोग पैसे लाते हैं, फेंकने में तो बड़ा अच्छा लगता है। बहुत बड़ी तरह तरह चीजें बना के खाइए, आपको भी अच्छा लगेगा, बचत भी होगी। बिल्कुल सही बात है। बहुत बड़ी बात निगार खानम जी ने कही कि बहुत मुश्किल से पैसा घर में आता है, इसको बचा करके रखिए। फिजूल खर्ची करने के तो बहुत तरीके हैं, पर इनके अनुभव हमें सिखाते हैं कि हमको किस तरह से बचत करनी चाहिए और किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। निगार जी, चलते चलते हम एक सवाल आपसे कहना चाहेंगे कि आप हमारे युवा वर्ग को कोई संदेश देना चाहती हो या अपना कोई अनुभव शेयर करना चाहती हो तो प्लीज आप बताइए। बस युवा वर्ग से ही कहते हैं कि ये लोग जो रात में घूमते हैं, नशा करते हैं, ये चीजें मत करें जी। घर से कह के जाते हैं, अरे मम्मा अभी आ रही, घर वाले इंतजार ही करते हैं, गाड़ियां बहुत तेज चलाते हैं, आए दिन एक्सीडेंट हो जाती है। उस माँ के दिल से पूछो, उस बाप के दिल से पूछो, उस पत्नी से पूछो, उस बहन से पूछो, कैसे इंतजार ही करती है। जैसे आपका बच्चा जाता आप उसको बोलते हैं ना बेटा ऐसा कुछ कर, तो ऐसे माँ बहन भी होती है, पत्नी भी होते हैं, अपने पापा भी होते हैं। तो इस चीजों का ख्याल रखें, वो चाहे लड़की हो चाहे लड़का। लड़कियों से तो खास तौर से कहना चाह रहे हैं, फैशन हो चुका है, पर्स बड़ा सा ले रहे हैं, मम्मी जॉब पे जा रहे हैं, पर्स में तो कोई चीजें और रहती हैं, न पकड़ी कहीं और जाती हैं। तो बेटा मत करो ऐसा,
आगे के लिए तुम्हारे ही ये परेशानी है। फिर माँ बाप निकलने नहीं देते तो आप कहते हैं कि हमको बड़े बंदिश में रखा है। बंदिश किसी के साथ नहीं है, काम अच्छा करिएगा तो घर वाले भी सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल सही की बात यहाँ नहीं है, यहाँ आपकी सच्चाई की बात है, सही तरीके की बात है। रहने वाले हॉस्टल में भी बच्चे पढ़ते हैं, चाहे लड़की चाहे लड़का, कामयाब होके आते हैं जी। और जो इनको नहीं करना है तो घर ही से निकल के पार्क में पकड़े जाते हैं। तो ये युवा वर्ग जो है अपने को ये मत सोचे पहले के जवाना, अरे पहले के जवाना आपके जवाने से क्या है, वो जवाना भी तो हम ही लोग बना रहे हैं ना, कि कोई और आके बना रहा है। तो हम अपने देश को बदनाम ना करें, अच्छा काम करें जी। इसके लिए मैं आप लोग से गुजारिश करती हूँ कि हमेशा अच्छा काम निगाह जी। आप हमारे स्टूडियो में आई और इतनी अच्छी बात हुई, बातें बहुत लंबी हुई, घर परिवार की बातें हुई, बहुओं को क्या करना चाहिए, बेटों को क्या करना चाहिए और घर के बुजुर्गों को क्या करना चाहिए, ये तो बातें हुई। इसके साथ ही साथ युवा वर्ग को अपनी क्या जिम्मेदारी है उनकी, उनको किस तरह से अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए, कितने नियम कानून अपनाने चाहिए और कहाँ किस दायरे में रहना चाहिए, निगार जी के अनुभव से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। निगार जी आप हमारे स्टूडियो में आई और आपसे इतनी अच्छी बात हुई, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत ज्यादा धन्यवाद है। मतलब हम खुद करते हैं कि आप लोग हमको इस लायक समझती हैं, कि हमें बुलाती हैं जी। हाँ बच्चे चलते चलते निगार जी दो लाइन हो जाए हमारे दर्शकों के लिए। कभी मेरी बात तुमको दिल में लग जाए तो मुझे भुला ना देना, मैं लौट के फिर इस चैनल पे आऊंगी। वाह, मुझे तुम थोड़ा टाइम लगा देना। वाह बहुत बढ़िया, और हम भी आपको नहीं भूलने वाले, आप भी हमें मत भूलिएगा, ना तो हमारे दर्शक आपको भूलेंगे, क्योंकि आपकी बातें इतनी अच्छी होती हैं, आपकी शायरियाँ इतनी अच्छी होती है कि हमारे दर्शक आपको याद करते हैं। आप देख रहे हैं अमेज़ नाउ।